पुलिसकर्मी के थप्पड़ से भड़का युवक और लोग, फिर हवलदार को पकड़कर सभी ने जमकर पीटा। आनंद विहार थाना परिसर में एक हवलदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि झगड़े के मामले में दो पक्ष थाने पहुंचे थे। वहां ड्यूटी पर तैनात हवलदार ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद लोग भड़क गए, उन्होंने हवलदार के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान किसी भी पुलिसकर्मी ने साथी को बचाने का प्रयास नहीं किया। आरोप है कि वारदात के समय हवलदार नशे में था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शाहदरा जिले के डीसीपी आर साथीय सुंदरम ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं। घटना 30 जुलाई देर रात की है। करकटडुमा गांव में रहने वाले दो पड़ोसियों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। बात बढ़ी तो मामला थाने पहुंचा। दोनों पक्ष अभी थाने में ही पहुंचे थे कि थाने में तैनात एक हवलदार गश्त के बाद वहां पहुंचा। वहां खड़े लोगों से पूछताछ करने पर हवलदार की एक शख्स से बहस हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वह भड़क गया। उसके साथ मौजूद लोगों ने आरोपी हवलदार को पकड़ लिया और जमकर पीटा। कई लोगों ने इस घटना के अलग अलग वीडियो बनाकर वायरल कर दिए। वीडियो में हवलदार को कई लोग पीटते हुए दिख रहे हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी ने कहा कि मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आनंद विहार पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कर्मियों को कई सारे लोग जो पीते हुए एक वीडियो वायरल हुई, वो संज्ञान में आया। इसमें हमने इंक्वायरी की है, उसमें पता चला है 30 तारीख रात में एक झगड़े का कॉल आई थी करकटडुमा विलेज पीएस आनंद विहार एरिया से। उसी कॉल पर हमारा एमपीवी तुरंत मौके पर पहुँच कर वहाँ एक बंदा अजय, उनका नाम है, उनको हमने थाने में लेके आए। वो काफ़ी दारू भी पी रखी थी। थोड़ा समय में ये अजय का भाई, फादर, उनके परिवार, दोस्त, काफ़ी सारे लोग थाने में पहुंच के वहाँ जो भी पुलिस वाला था उनके साथ मिसबिहेव किए। उसी समय में हमारा जो विक्टिम है हेड कांस्टेबल, वो भी थाने में अपना ड्यूटी के दौरान पहुँचे। उनके साथ भी ये लोग ने काफ़ी पहले प्रोवोक किए, फिर अब्यूज़ किए, उसके बाद इनको काफ़ी मारपिटाई की है। इसमें हमारा जो पुलिस कर्मी वो इंजर्ड हुआ है। उसके बाद ये लोग सब वहाँ से निकल गए हैं। हमारा पुलिस कर्मी को हमने मेडिकल करवाया है, काउंसलिंग भी करवाया है। इसी में हमने उनका कंप्लेन लेकर मुकदमा भी दर्ज किया अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शन में। जो दो आदमी हैं जो इस वीडियो से हमने आइडेंटिफाई करा के उसको हमने अप्रीहेंड भी किए हैं। बाकी लोगों को जो पकड़ने के लिए वो तलाशी चल रही है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।